प्राधिकरण बैठक कल। एमएसएमई बुनकर योजना के संबंध में कल होगी बैठक। आगरा फिरोजाबाद मथुरा में पेयजल योजना को लेकर बैठक। खबर लखनऊ से है, जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग ईदगाह की बेहतरीन पहल। ऐशबाग ईदगाह में मुफ्त खाने और कपड़ों का इंतजाम। खबर लखनऊ से है, जहां आलम किचन में रोज जरूरतमंदों खा सकते हैं खाना। आदम मॉल से ले सकते हैं मुफ्त गर्म कपड़े। जरूरतमंदों की मदद करना इबादत है, फिरंगी महली ने कहा। इंसानों की मदद करना। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनवाई से किया इनकार। बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप हाई कोर्ट जाएं, चाहे आप याचिका वापस ले लें। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता गौरव। गौरव, आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, आजम खां की मुश्किलें यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही, और एक मुश्किल और यहां पर हो गई है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की कि उनके कुछ मामले हैं वो उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित कर दिए जाएं, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा। और ये दलील आजम खां के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। याचिका के माध्यम से यहाँ पर कहा गया था कि उनके कुछ मामले हैं जिन पर लेकर लगातार योगी की सरकार उनको निशाना बना रही है, उसको अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दी जाए, उनको ट्रांसफर कर दी जाए, जिससे उनको न्याय मिल सकेगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि उनको ये हम याचिका खारिज कर रहे हैं और इस याचिका पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, या फिर वो याचिका वापस ले लें और या फिर वो हाईकोर्ट जाएँ। और ये ऐसा कहीं नहीं है कि आपको यूपी में न्याय नहीं मिलेगा, और जो आप ये बात कह रहे हैं इसके जो दलील है, इसका जो आधार है वो गलत है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ मयूरी इनको झटका तो लगा है, क्योंकि यहाँ पर दलील ली गई थी कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की यहाँ बात पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है याचिका पर। लगातार जिस तरीके से आजम खां की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनके पास फिर अगला विकल्प तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, फिर अगला कदम क्या होगा उनका? देखिए मयूरी, अब अगला कदम या फिर वो अपनी याचिका वापस लेंगे या फिर वो हाईकोर्ट जाएंगे। अब हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है कि अगर इसको ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी फिलहाल ये बड़ा प्रश्न रहेगा। ये तो कपिल सिब्बल फिलहाल उनको लगातार झटके मिल रहे, 87 उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, और अभी आपने देखा किस तरह से उनको सजा हुई थी, सजा होने के चलते उनकी जो सदस्यता थी विधानसभा की वो भी रद्द हो गई थी, और वहाँ पर चुनाव हुआ था रामपुर में, जहाँ पर आशीष सक्सेना यहाँ पर जीत के रहा है। तो कहीं ना कहीं आजम खां की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें, चाहे वो न्यायालय के मामले में हो, चाहे उनका मुकदमों की बात हो, या फिर उनकी जो सदस्यता रद्द होने की बात हो, फिलहाल 2023 का जो साल शुरुआत हुई है, ये भी आजम खां के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। कानपुर में चर्चित बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो 17 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी गई है।
खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। कानपुर में चर्चित बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो 17 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। खबर कानपुर से है, जहां चर्चित बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो 17 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो 17 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो 17 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से है, जहां चर्चित बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो 17 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। कानपुर से है, जहां चर्चित बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो 17 साल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। आपको बड़ी खबर बता दें, कानपुर से है, जहां बिकरू कांड के मामले में आरोपी खुशी दुबे को जमानत मिल गई है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वो मात्र 17 साल की थी। चर्चित बिकरू कांड में खुशी दुबे को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। लखनऊ के G20 के आयोजन के लिए लखनऊ को सजाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद पथ पर लगेगी कथक मुद्राओं की प्रतिमाएं। G20 सम्मेलन के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, G20 सम्मेलन के चलते शहर का हो रहा है सौंदर्यीकरण। थीम डिजाइन निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की गई। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल के बीच होगा सौंदर्यीकरण। अयोध्या में चंपत राय ने की राहुल गांधी की प्रशंसा। भारत जोड़ो यात्रा प्रशंसनीय, चंपत राय ने कहा। हमने कभी विरोध नहीं किया, चंपत राय ने कहा। सबको पदयात्रा करना, भारत का अध्ययन करना चाहिए। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3,000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहाँ चंपत राय ने राहुल गांधी
प्रशंसा की है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा यह यात्रा प्रशंसनीय है, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। सबको पद यात्रा करने का भारत का अध्ययन करना चाहिए, चंपत राय ने कहा। अयोध्या से खबर है जहां चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा प्रशंसनीय है। चंपत राय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा प्रशंसनीय है, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। सबको पद यात्रा करने भारत का अध्ययन करना चाहिए। खबर अयोध्या से है जहां चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की है। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा प्रशंसनीय है, ऐसा चंपत राय ने कहा है, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। सबको पद यात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, चंपत राय ने कहा। बड़ी खबर अयोध्या से है जहां चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा प्रशंसनीय है, चंपत राय ने कहा है, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। चंपत राय ने कहा भारत जोड़ो यात्रा प्रशंसनीय है, सबको पद यात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, चंपत राय ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की है, बड़ी खबर अयोध्या से। आपको बता दें उन्होंने कहा हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। सबको पद यात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, चंपत राय ने कहा। खबर अयोध्या से है जहां चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की है भारत जोड़ो यात्रा है प्रशंसनीय है, ऐसा चंपत राय ने कहा है, हमने कभी विरोध नहीं किया। सबको पद यात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विभांशु। विभांशु, चंपत राय ने भारत जोड़ो यात्रा की और राहुल गांधी की प्रशंसा की है। जी, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है। उससे पहले बात की जाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद हर्ष के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और शिरकत हो रहे हैं। और बात की जाए तो एक बार फिर राहुल गांधी का जो टी शर्ट है वो कहीं ना कहीं इस यात्रा को एक अलग ही रूप दे रहा है। और सवाल हो रहा है कि राहुल गांधी इतनी ठंड में टी शर्ट पहन के क्यों चल रहे हैं और कैसे झेल ले रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि जहां सभी दलों के बात की जाए तो राजनीतिक दलों के नेता शुभकामना भेज रहे हैं, चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी की, चाहे बात की जाए आरएलडी की। आरएलडी प्रमुख जयंत भी आज सम्मिलित होंगे भारत जोड़ो यात्रा में। उससे ठीक पहले अयोध्या के संत अध्याय के मुख्य पुजारी कल एक लेटर जारी करके राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए शुभकामना दिए थे। उसी को हम मैं आपको बता दें कि राम मंदिर तीर्थ जो ट्रस्ट है उसके महासचिव चंपत राय ने एक पत्र लिखकर कहा उन्हें कि मैं आप एक नौजवान हैं और 50 वर्ष की उम्र में आप यात्रा कर रहे हैं और देश में घूम रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है और मैं इसकी सराहना करता हूँ और आपके यात्रा को लेकर हम कहीं ना कहीं आपको शुभकामना देते हुए उनका पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि 3000 किलोमीटर की पदयात्रा चंपत राय अपने पत्र में लिखते हैं कि 3000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने देश में कई हिस्से में घूमा है। और बात की जाए तो ये 10वां राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हुई है। और बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस भारी ठंड में पैदल चलकर कहीं ना कहीं देश भ्रमण करना एक सराहनीय कार्य है। तो जहाँ राम मंदिर के मुख्य पुजारी कल पत्र जारी करके अब शुभकामना देते हैं, अब उसी क्रम में राम मंदिर
जो तीर्थ ट्रस्ट है उसके महासचिव चंपत राय ने भी लेटर जारी करके राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी है। जी लगातार देखा जाए विभांशु, तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जनता का समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है, वहीं बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन पर निशाना साधा था। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस यात्रा से कहीं ना कहीं जो सियासी घमासान है वो तेज हो गया है। अगर बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में रखी गई। इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं वो भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक सांकेतिक यात्रा है और उत्तर प्रदेश में फ्लॉप शो साबित होगा। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके ठीक बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के लोकप्रियता की बढ़ने से और साथ ही साथ इस यात्रा से कहीं ना कहीं भयभीत है, इसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी नंदनी कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी जो अपनी खोई हुई जमीन है उसको कैसे वापस पाती है और इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी को क्या सफलता मिलती है। अगर बात की जाए तो इस यात्रा के दौरान गुजरात और हिमाचल में चुनाव हुए, तो हिमाचल में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी, वहीं गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस पार्टी के महज 2 विधायक हैं और सांसदों की बात करें तो 0 सांसद हैं। अब आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जनादेश है उसमें कितना इजाफा होता है वो निकाय चुनाव और 24 के चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी। अगर बात की जाए नंदनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना विस्तार कर रही है, नए संगठन को ले आई है, प्रांतीय अध्यक्ष ले आई है, अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय अध्यक्ष लाई है, जो प्रांतों के अध्यक्ष होंगे वो लगातार प्रदेश में घूमकर अब लोगों से जनादेश बनाने का तैयार कर रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से कितना लाभ होता है। अगर बात की जाए तो आज की यात्रा में जब आपने कल देखा कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को झंडा देकर और उत्तर प्रदेश में उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप यात्रा की अगुवाई करें। बात की जाए तो उस यात्रा से 3 जिले आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद, शामली और बागपत, ये तीनों जिले गन्ना बेल्ट एरिया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखें तो इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक भी की संख्या भी ठीक ठाक है। तो माना ये जा रहा है कि आने वाले समयों में यहाँ कांग्रेस पार्टी का जनाधार तैयार होगा, मगर वो चुनाव के बाद कहना साफ होगा। अगर बात की जाए तो इस यात्रा से राहुल गांधी ने शुरुआत में ही कहा कि ये किसानों का बेल्ट है और इसी धरती से किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन में एक अलग तरह की जान फूकी गई थी उसमें बागपत, शामली एक बड़ा योगदान दिया था ये जिला। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ से है जहां अधिवक्ताओं की महासभा का आज रहेगा कार्य बहिष्कार। पुलिस कस्टडी में अधिवक्ताओं को पीटने का था पूरा मामला। पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही न करने से नाराज हैं अधिवक्ता। मोहनलालगंज तहसील में बुलाई गई महासभा। बार एसोसिएशन पदाधिकारी एवं अधिवक्ता मिलकर बनाएंगे रणनीति। आज रणनीति बनाने के बाद लिया जाएगा निर्णय। 31 दिसंबर को अधिवक्ताओं ने नेशनल हाईवे 9 घंटे जाम किया था। 300 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा। खबर लखनऊ से है जहां अधिवक्ताओं की आज महासभा रहेगी और कार्य बहिष्कार किया जाएगा। पुलिस कस्टडी में अधिवक्ताओं को पीटने का था मामला। पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही न करने से नाराज है अधिवक्ता। मोहनलालगंज तहसील में बुलाई गई महासभा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सागर। आज अधिवक्ताओं का महासभा किया जाएगा और उन्होंने कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
देखिए नंदनी, आपको बता दूं कि ये जो घटना है पूरी 30 तारीख की है, और 30 तारीख के बाद से जो 31 तारीख की जो बात थी, वहाँ सुबह तकरीबन वकील है, वकीलों के जो मित्र हैं, दो वकीलों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, क्योंकि जो वकील हैं, दो वकील थे, अश्वनी राठौर और वीके ओझा, ये रायबरेली की तरफ से आ रहे थे, और मोहल्लालगंज क्षेत्र के भसंडा मोड़ पर एक स्वास्थ्य कर्मी है सतीश, उससे इनकी टक्कर हो जाती है, और टक्कर होने के बाद जो है सतीश वहाँ पर गिर जाते हैं, थोड़ा सा घायल हो जाते हैं, उसके बाद से वकील वहाँ से बाहर निकलते हैं, और चूँकि बता दूँ आपको कि जो सतीश था, जो स्वास्थ्य कर्मी, वो स्थानीय युवक था, तो इस कारण वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, और भीड़ ने तकरीबन दोनों वकील को बुरी तरह से मारा पीटा होता है, और इस दौरान जो दो वहाँ के मोहल्लालगंज थाना क्षेत्र के जो दो दरोगा हैं, वो वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, उसके बाद से वकील को हिरासत में लेते हैं, और वकीलों का एक तरफ आरोप था कि जो पुलिस है, उस पुलिस ने उन्हें हवालात में बंद करके देर रात तक पीटा है, तो वहीं इसके बाद सुबह की बात होती है, 31 दिसंबर की घटना की बात होती है, तो उसके बाद सुबह 10 बजे तकरीबन उसके वकीलों के जो साथी हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद से देखते देखते हुजूम लग जाता है, सैकड़ों की तादाद में वकीलों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, उसके बाद से जो नेशनल हाईवे 9 है, जो रायबरेली को जोड़ता है, इलाहाबाद को जोड़ता है, वो वहाँ पर वकील जो है 20 रोड में बैठकर प्रदर्शन करते हैं, और इस दौरान तकरीबन 9 घंटे का जाम लगता है, और 7:10 में शाम के जाम को खुलवाया जाता है, और क्योंकि वहीं ADCP मनीषा सिंह भी वहाँ पहुँची थी, ADCP साउथ, और उसके साथ से DCP साउथ राहुल राज भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कई बार मान मनोबल की कोशिश की वकीलों को, लेकिन इसके बावजूद भी वकील हटने को तैयार नहीं थे, वकीलों का साफ साफ ये मानना था कि जो दरोगा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वहीं पुलिस ने इन्हें आश्वासन दिया कि जो दरोगा हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ा एक्शन लिया जाएगा, विभागीय कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं देर रात दोनों दरोगा को ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक को श्रीनगर भेजा गया और एक को सुशांत गोल्ड सिटी से अटैच किया गया, तो ये था प्रोग्राम जी। लगातार देखा जाए अधिवक्ताओं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, तो अगला क्या कदम हो सकता है उनका? देखिए नंदनी, आपको बता दूं कि आज जो है तकरीबन 10 से 10 बजे के बाद से जो मोहल्लालगंज तहसील है वहाँ पर वकील जो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, और एक महासभा बुलाई गई है, और कुल मिला के ज़िले में जो जितने भी तहसीलें हैं वहाँ पर कार्य बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया है, महासभा बैठक बुलाई गई है, उसके बाद क्योंकि मोहल्लालगंज इंस्पेक्टर के द्वारा तकरीबन 300 अज्ञात वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और काफ़ी संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है, तो उस वजह से वकीलों में काफ़ी रोष था, इस वजह से वकीलों ने एक महासभा बुलाई गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नंदनी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों पक्ष की ओर से कुछ ना कुछ ढिलाई देखी जा रही, जहां पुलिस की तरफ से पुलिस पर एक आरोप लगा है, तो वहीं DCP मनीषा सिंह ने साफ साफ ये कहा है कि जो भी पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा है सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वकील हैं वो उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें देर रात तक पीटा है, और उसके बाद जो सुबह है, सुबह तकरीबन 10-11 बजे 31 दिसंबर की बात है, तो वकील जो है दो घायल वकील थे उनको उनके अपनी साथियों की बिसराती इस दौरान और रोष हो जाता है, और रास्ता कुल मिला के जाम कर दिया जाता है, हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाता है, और कुल मिला के जो ट्रैफिक कर्मी हैं वहाँ के जो स्थानीय सिपाही हैं थाने के, वो जाम खुलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का भी काफ़िला वहाँ से गुजरना था, इस वजह से काफ़ी जाम लग चुका था, इस दौरान पुलिस की नोकझोंक हो जाती है वकीलों से, पुलिस को भी पीटा जाता है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि इस बड़ी महासभा में क्या कुछ ऐलान किया जाता है और क्या कुछ शासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त वह 17 साल की थी। बड़ी खबर कानपुर से है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल। खुशी दुबे को जमानत मिल गई है। जिसमें एक विकास दुबे नाम का व्यक्ति था जिसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इसका साथी था जो कि मेरा व्यक्ति था, तो उसके ऊपर भी इसमें अभियुक्त बनाया गया था, जिसकी पत्नी खुशी दुबे थी। हालांकि खुशी दुबे को भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके, तो खुशी दुबे जेल में थी, हालांकि इस पर
राजनीति भी काफी गरमाई थी और लगातार इस पर राजनीति हो रही थी। इसकी अखिलेश यादव ने भी इसको इसको मुद्दा बनाया था और कांग्रेस ने इनकी कुशी दुबे की मां को कल्याणपुर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया था। उसके बाद लगातार ये आरोप रहा था कि कुशी दुबे एक पंडित है और उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही होगी सरकार। एक कुल मिला के एक अहम मुद्दा बनाया गया था इसको पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पीछे नहीं हटी थी और लगातार खुशी गेल में थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें कुशी दुबे को जमानत मिल गई है, लेकिन बताते कुछ शर्तें रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरह से कि इनको हफ्ता में एक दिन वहाँ के एसोसिएशन से मिलने जाना होगा और हाजिरी भी देनी होगी। और इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो बहस में सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था कि कुशी दुबे अगर बाहर आती है तो कहीं ना कहीं एक गिरोह फिर से सक्रिय हो जाएगा जो कि बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए खुशी दुबे को जमानत शर्तों के साथ जमानत दी है। अब देख कहीं ना कहीं खुशी दुबे के लिए बहुत खुशी की लहर होगी और कहीं ना कहीं विपक्ष जिस हिसाब से सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर लगातार एक तरफा घेर रहा था उसी तरीके से सरकार की इसमें बड़ी हार हुई है। जी बात करें खुशी दुबे के परिवार तो लगातार इसके पहले देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से लगातार ये चीज कह रहा था कि वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हैं, उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है। जी बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील दी गई है तो दलील में साफ साफ कहा गया था कि खुशी दुबे का व्यवहार जेल के अंदर भी अच्छा नहीं है और जेल के अंदर भी अच्छा नहीं है और बाहर भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब खुशी दुबे बीमार थी तो इसको लगातार इसका इलाज चल रहा था और कई बार इसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, लेकिन जब पूरी बात सामने आई तो कहीं ना कहीं खुशी दुबे के पक्ष में जो उनके वकीलों ने अपनी बात रखी थी तो उसमें इनको प्रेरित घोषित किया था कि ये बीमार भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और जो जमानत की मेन दलील जो मेन निष्कर्ष निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब ये वारदात हुई थी जुलाई 2020 में तब खुशी दुबे जो थी नाबालिग थी और नाबालिग के ऊपर इस प्रकार के केस हम मुकदमे नहीं लगा सकते हैं। हालांकि अपनी तरफ से सरकार ने भी अपनी दलीलें दी हैं, अपनी जो भी कागजात से पेश किए थे जिसके चलते इनको जमानत मिल गई है। साथ ही देखने वाली बात होगी कि आगे चलते सरकार अपनी तरफ से क्या दलील कोर्ट में पेश करती है और क्या खुशी दुबे इसी तरह लगातार बाहर रहेंगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।